गुड मॉर्निंग बेटा। हैव यू लर्न दैट स्पेलिंग विच आई हैव गिवन टू यू? जो मैंने लर्न कर लिया बेटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके बस मेरा नहीं कर मैं कोई फैमिली की स्पेलिंग सुना दो। F A N I L Y family. Big family. You joined the family. Big. S K W. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। मोमन या तो आप सुन सकती हैं तो मैं सुना रहा हूँ। मैं सुना रहा हूँ। अंकल किस परिस? मैं सी एल ई अंकल। आंटी। ए यू एन टी आंट। J O I N T Y। जो बच्चा बोल रहा है ना उसको याद है, उसको मैं सब याद कर रहा हूँ। M I L Y family। आनी आ रही। हेलो। यस मैम, यस मैम। चली जाती आवाज बार बार। ऐसे कर देखिए। अब देखिए बेटा, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन 4। ओके बेटा, सो यू ऑल ये करेंगे। यू ऑल विल सी बुक ऑन योर स्क्रीन, है ना बेटा? आपकी स्क्रीन पे ही बुक दिखेगी, देखिएगा। देखना आपको दिख रहा है बेटा? ऐसे मैम, अच्छा नहीं शेयर हाँ शेयर किया था। वन सेकेंड बेटा, अभी यहाँ पर बुक दिखेगी, देखना यहाँ पर ना। ये हाँ बेटा देखिए, किस क्रम वाला होगा? क्रम्बल नहीं दिख रहा। रीनेम है, इनेबल राइटिंग वेटिंग। ये वाली मैडम के पास है। ये हम ढूंढना इनेबल तुम्हारा बेटा कहाँ पे है? अच्छा ये हाँ मैडम, दिखाई दे रहा हूँ। हाँ बेटा, आप लोगों को दिख रही है बुक?
कहाँ बुक ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर वन आपको दिख रही है बुक दिख रही है सारे बच्चों को यस अच्छा तो आज हमको क्वेश्चन वन करना है ना एक्सरसाइज का आपको दिख रहा है बेटा यस अच्छा पंखुड़ी दिख रही है आपको बेटा बुक दिख रही है एक्सरसाइज दिख रही है इफ यू हैव बुक ओपन स्क्रीन पे देखिए आप लोग स्क्रीन पे अपने आपके स्क्रीन पे बुक दिख रही है अच्छा देखिए जिनके पास बुक है बेटा इफ यू हैव बुक तो प्लीज ओपन योर बुक अगर आपके पास बुक है तो स्क्रीन पे देख लीजिए अच्छा तो देखिए क्वेश्चन वन जो आपका बेटा है तो क्वेश्चन वन आपका क्या है अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ना अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन हमें सही वर्ड पर क्या करना है अंडरलाइन करना है ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका ये है फादर मदर एंड अ चाइल्ड मेक अ ठीक हाँ तो बेटा इसमें फादर मदर एंड अ चाइल्ड मेक अ क्या बनाते हैं बेटा स्मॉल फैमिली बनाते हैं कि बिग फैमिली बनाते हैं स्मॉल फैमिली तो मैं किसमें किसमें अंडरलाइन करूं स्मॉल फैमिली में तो ये आपका राइट आंसर है स्मॉल फैमिली में ओके अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक पे भी करके चले बेटा आप लोगों को दिख रही है ना बुक दिख रही है यहाँ पर तो मेरा कुछ बॉडी बस दिख रहा है बुक दिख रही होगी ना नहीं नहीं बुक उनको दिख रही होगी ना हाँ हाँ अच्छा ठीक फिर बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका फादर एंड मदर आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स कौन से पेरेंट्स है ना अगर आपके पास पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को आप सर्कल कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए ठीक है अगर आपके पास बुक है तो बुक पे करते चलिए बेटा अंकुड़ी बुक नहीं है आपके पास मेरे पास भी नहीं है बुक अच्छा जिनके पास नहीं है तो वो बच्चे कॉपी करते चलेंगे ठीक है वो लिख लेंगे अपने नोटबुक पे मम्मी पापा के हेल्प से नोटबुक पे लिख लेंगे ठीक है पहले आप लोग समझ लीजिए उसके बाद करिएगा अभी लिखना नहीं है पहले समझ लीजिए सारे बच्चे मैनी पीपल लिव टुगेदर इन अ बिग फैमिली और ज्वाइंट फैमिली ज्वाइंट फैमिली है ना बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली अंकल आंट ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है ना तो ये आपकी क्या हो गई ज्वाइंट फैमिली हो गई है ना ज्वाइंट फैमिली में आपको अंडरलाइन करना है जिनके पास बुक है वो बच्चे करते चले बेटा फिर क्वेश्चन फोर्थ है माय ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आर माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ठीक है पेरेंट्स की ग्रैंड पेरेंट्स क्या है ग्रैंड पेरेंट्स है ना तो ग्रैंड पेरेंट्स में आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा ठीक है आप देखिए बेटा अब है आपका ना अब इनको इस ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा तब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे ठीक है अभी आप लोग देखिए कोई भी बच्चे करेंगे नहीं पहले आप समझ लीजिए कि मैम ने कैसे क्या करवाया था फिर आप लोग अपने से पढ़कर घर पर करिएगा पहले देखिए कि मैम
किस वर्ड को क्या बोल रही है, कैसे कर रही है, ठीक है अभिनव? ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका काम भी इजी हो जाएगा, आपको भी अपने से बनने लगेगा, मम्मा पापा की थोड़ी सी ही हेल्प लेनी पड़ेगी बस। ठीक है, देखिए अब आप लोग आगे सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा, देखिए सेकंड दिख रहा है बेटा, बुक दिख रही है अभिनव? हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द गिवन वर्ड, है ना, हमें फिल इन द ब्लैंक मीन खाली जगह को भरना है जो वर्ड हमको दिए गए हैं। कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं, देखिए पेरेंट, लव, ब्रदर, हाउस, पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट, एल ओ वी ई लव, बी आर ओ टी एस ई आर ब्रदर, एच ओ यू एस ई हाउस, ठीक है ना, फोर हमको वर्ड दिए गए। अब इनको ये जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह में हमें फिल करना है, ठीक है। तो चलिए पहला है, पहला क्वेश्चन है बेटा आई डैश फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक है माई फैमिली वेरी मच, क्या होगा बेटा, करेंगे हम अपनी फैमिली से हम क्या करते हैं बहुत ज्यादा लव करते हैं ना, हाँ। तो ये आप यहाँ पर ये लव है तो लव को या वन नंबर में लिख दे रही हूँ, वन नंबर पे आप लोग भी लिख लीजिए अपनी बुक में, इसको वन नंबर पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे वीडियो देख करके बेटा जब मैं शेयर करूंगी तो आप लोग अपने बुक नोटबुक पे कर लीजिएगा, ठीक है दिव्या? ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन है माई मदर एंड फादर आर माई, हम माई मदर एंड फादर क्या है हमारे, पेरेंट्स, तो ये पेरेंट्स, पेरेंट्स वेरी गुड, पेरेंट्स को, पेरेंट्स को सेकंड नंबर में फिल करना है, ठीक है। हाँ सभी को स्क्रीन दिख रही है ना, बुक वाली स्क्रीन सभी को दिख रही है, नहीं दिख रही, किसे नहीं दिख रही, अगर किसी एक बच्चे को नहीं, हाँ आप फिर थर्ड क्वेश्चन है बेटा, हम सब कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम सब, ब्रदर में या हाउस में, क्योंकि टू वर्ड तो हो चुके हैं लव और पेरेंट्स तो हो गए हैं, तो ब्रदर है कि हाउस है, हाउस में रहते हैं हम सब पर, हाँ हाउस में रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर थ्री नंबर हाउस के आगे लिख लीजिए, फिर आगे आप बाद में फिल कर लीजिएगा। हाँ फिर है लास्ट है आपका माई डैश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, तो हमारी ब्रदर, वेरी गुड, ब्रदर को आप फोर नंबर पे कर लीजिए, ब्रदर, ठीक है। अब हम इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को, आप लोग अपनी जिनके पास नोट बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक पे नोट कर लेंगे ना, क्या नहीं दिखाई दे रही आपको, बुक दिख रही है कि नहीं दिख रही है बताइए, नहीं और सबको तो दिख रही है दिव्यांश, अभी आपको मैं नहीं दिखूंगी, अभी आपको बुक बस दिखेगी, ठीक है। आप थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बोर्ड दिख रहा है बेटा, फिर आपको कहीं कुछ मिस्टेक होगा आपके में, शेयर नहीं हो रहा है क्या कुछ वो, और सारे बच्चों को बुक दिख रही है बेटा, हाँ तो फिर दिव्यांश आपके नेटवर्क में कुछ नेटवर्क के कारण होगा, और बच्चों को बुक दिख रही है बेटा, चलिए मैं इरेज कर दूँ, क्वेश्चन थर्ड में हम चलते हैं, ठीक है। वन सेकेंड,
फिर ओके, फिर है आपका 15 मिनट आ गए। ये दिख रहा है आपको? वन सेकेंड बेटा, ये स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा रुके, दिखेगा। नहीं दिख रहा। अच्छा वन सेकेंड दिख रही है, रुक जाओ, बता रही हूँ मैं आपको। दिख रही है क्या बेटा आपको? यस मैम। नहीं दिख रही है। हाँ रुक जाओ मैं, वन सेकेंड बेटा, दिख रही बुक कोई दिख रही नहीं, वो मैम बोल रही थर्ड क्वेश्चन अच्छा ये बताइए बेटा कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया है? Yes, ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे है ना, ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक पे करना है आपको, ठीक है? Yes, अच्छा रुके देखिए, मैं और आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ दूसरा भी करवाने के लिए, वन सेकेंड। क्या कर रही है ये बुक? हाँ देखिए आप बताइएगा, रुके बताती हूँ आप लोगों को। चलिए ऐसा करते हैं बेटा, वन सेकेंड मैं आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा करते क्या बेटा? स्क्रीन ये वाली आ रही है क्या आपको? वन सेकेंड, आज बच्चे क्या देख रहा है?
ठीक है बेटा, ऐसा आज आप जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया है, आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? आवाज आ रही सारे बच्चों को? है ना, तो जो मैंने जो मैंने टू क्वेश्चंस कराए हैं, वो टू क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है? ये अपनी नोटबुक पे कर लेने हैं, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक पे कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ जो थ्री क्वेश्चन है इनको फिर मैं आपको आपको नेक्स्ट वीक पे बताऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास पे इतना टू क्वेश्चन आपको मम्मी पापा की हेल्प से लेकर के आपको करना है, ठीक है?